बेरोजगार लड़कों पर तो सरकार भी ध्यान नहीं देती, और तुम उम्मीद लगा बैठे हो लड़की से, पागल हो क्या? वेलकम बैक टू माय पोएट्री चैनल। और आप सबका बहुत 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 थैंक यू कि पिछले दो वीडियोस पर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से 10:45 इस वक्त हो रहे हैं नाइट में। और चलो आज बात करता हूँ, स्टोरी टेलिंग को स्टोरी टेलिंग की तरीके से नहीं करता हूँ, जस्ट बात करता हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बिना किसी फिल्टर लगाए, अनफिल्टर्ड वाली बातें होंगी आज ये। और ऐसे बैठा हुआ था यही शर्ट पहन के, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात कर ली जाए। पिछले वाले वीडियोस पर जो आपने इतने सारे कमेंट किए मूव ऑन को लेके, मूव ऑन के ऊपर वीडियोस बना दो, मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बना रखे, हाँ लड़कियों पे ज़्यादा बना रखे, मूव ऑन से रिलेटेड पहले बना रखे थे, तो उसी के ऊपर है। और कि काश मेरे पास कोई ऐसी कैप्सूल होता या टैबलेट होती, वो मैं आप लोगों को दे सकता, जिससे मूव ऑन से यूँ फट से बाहर आ सकते, लेकिन नहीं है। 10 मिनट का वीडियो देखने से या ये वीडियो देखने से, 15 मिनट का वीडियो देखने से तुम फटाक से मूव ऑन नहीं कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर जाओगे। अगर तुमने अपना इमोशन, अपना टाइम स्पेंड किया है किसी शख्स के साथ, और अगर रिश्ता इतनी आगे पहुंचा है कि तुमने फिजिकल भी अपने आप को वहां पे इन्वेस्ट किया है, तो फिर टाइम लगेगा ना उसके अंदर। यार अपन एक एग्जांपल देता हूँ, अपन एक सिगरेट लेते हैं, जलाते हैं, पीते हैं, तो उस जल क्या बोलते बुझने को भी, अपन एक सिगरेट लेते हैं, जलाते हैं और पीते हैं, उस सिगरेट को भी बुझने में, ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो तुम्हारे पास तो किसी शख्स की यादें हैं, टाइम तो जाएगा ही थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं कि कल रिश्ता टूटा आज सब कुछ भूल गए हम। एक पुराना गाना है शायद मेरे ख्याल से, यही शायद क्यों लगा रहा हूँ, यही है कि करोगे याद तो फिर याद बहुत आएगी। बस वक्त के साथ साथ ये गाने की लाइन सेम रहती है कि करोगे याद तो याद बहुत आएगी, लेकिन उन यादों से अब फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ऑफिस में भी बैठे बैठे कभी तुम्हारे थॉट्स आ गया, अगर तुम 9 to 5 की जॉब करते हो या XYZ कोई सा भी काम करते हो, तो याद आ गया तो बस ठीक है, याद आया। वो दिमाग खराब नहीं होगा जो होता है ना, काम धंधा छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपनी जो लाइफ चल रही है उसको खत्म कर लिया, वो नहीं होगा ऐसा। और मैंने तो रास्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, रास्तों के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो जयपुर की काफ़ी जगह ऐसी है, एक वक्त था जब वैशाली मेरे को काटने को दौड़ता था, एक जगह है जयपुर के अंदर, एक वक्त था जब गांधीपथ की सड़कें मेरे को काटने को दौड़ती थी, बट अब चला जाता हूँ बस कुछ नहीं है, अंदर की विल पावर भी स्ट्रांग हो जाती है, मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे वक्त के साथ। और वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है, सीरियसली वक्त लगता है लेकिन सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है ठीक। और अगर तुम्हें यह लग रहा हो कि नहीं यार, अगर इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी ऐसे थोड़ा बहुत भी रिलैक्स होता है ना कि हाँ यार अच्छा लगा सुन के, या थोड़ी देर के लिए तुम भूल पाते हो, अपने आप के करीब जा पाते हो, तो शायद यह नाकाम वो कोशिश है जो कामयाबी की तरफ जाती है। तुम्हें पहला ही रास्ता कामयाबी का नहीं मिल जाता, कई रास्तों पर तुम्हें भटकना पड़ता है। तो यही है कि जिंदगी बहुत लंबी है, आगे बहुत से रिश्ते बनेंगे, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना तुम्हारे अंदर गट्स आ जाते हैं कि तुम सामने वाले को फिर अगर छोड़ के भी जाना चाहे तो तुम इतना फर्क नहीं पड़ता, कितना भी फर्क पड़ जाए बट इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे काम के ऊपर फर्क पड़ जाए। स्कूल से मेरे थॉट्स ऐसे रहे, शुरुआत से स्कूल के अंदर ही थे, पता नहीं कहाँ से आए, शायद मेरे फादर के अंदर थे ये, जो मेरे अंदर आ गया कि मैं किसी भी शख्स से तब नहीं मिलता जब वो चाहता है, मैं किसी भी शख्स से तब मिलता हूँ जब मैं चाहता हूँ। आज की डेट में दुनिया के अंदर लड़का हो लड़की हो, किसी कोने में हो, कहीं पे भी रहता हो, वो इसलिए तुमसे नहीं मिलेगा कि उसके अंदर तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी भलाई है, नहीं मिलेगा। या मैं तो तुम्हारा भला करना चाहता हूँ इस वजह से मैं तुमसे मिल रहा हूँ। हर इंसान अपना अपना मकसद लेके मिलता है, अपना अपना लालच लेके मिलता है, अपना अपना फायदा सुख कुछ भी लेके मिल सकता है। तो मैं तो तब मिलूंगा ना जब मुझे अपना फायदा दिखेगा, वो फायदा कोई सा भी हो सकता है, हैप्पीनेस का, अच्छा लग रहा है। तो जब मेरे को मिलने की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा, एटलीस्ट मैं फोर्स तो नहीं करूंगा, और अगर कोई मिलना चाहता है, मेरी इच्छा है तो मैं मिल लूंगा। वही होता है कि तुम एक लड़की है या लड़का है, तुम किसी शख्स से इस दुनिया के अंदर मिलते हो, वक्त बीतता है, प्यारी प्यारी यादें बनती है, मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें यू नो स्टोर होती है,
फिर वही तो दिक्कत है, डिलीट नहीं हो सकती वो चीजें। नहीं नहीं वक्त लगता है मेरी जान इस दुनिया के अंदर, अगर तुम्हारी लाइफ है और लाइफ के अंदर ऐसी ट्रेजेडी होती है, वो इश्क होता है जो यू नो बर्बाद कर देता है, कि तेरे जाने के बाद मैंने किसी को भी इतना हक नहीं दिया जो मोहब्बत के दायरे में आता है। ये आप लिख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो अंदर से। कि जो इंसान, एक बड़ी कमाल की कोट पढ़ी थी मैंने, इंग्लिश की थी, बहुत कमाल की लगी थी, कि रिलेशनशिप जो होता है ना, एक रबड़ बैंड की तरह होता है। वो रबड़ होता है ना, एक छोर को लड़का पकड़े रखता है और एक छोर को लड़की पकड़े रखती है। अब डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले छोड़ता कौन है। जो छोड़ता है उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जो पकड़े रखता है ना उसको हर्ट होता है, उसके लगती है, उसको वो रबड़ चुभता है, उसको पेन होता है। तो अगर तुम पकड़े रखोगे तो वो दर्द होगा ही होगा। उसको क्या दर्द होगा जो छोड़ के चला गया है। लौंडे की जवानी खा जाती है लड़की की कुछ लाइनें की, आई कांट लिव विदाउट यू, वो झूठे कस्मे वादे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो सपने जो सीने पर सर रखे उसने सपनों के महल बनाए थे, साथ रहने के सपने दिखाए थे, अजीब सा किरदार निभाया मेरी मोहब्बत ने उसकी खुद की जिंदगी के अंदर, वो उसके होठों को भी ठीक वैसे ही चूम लेती है जैसे मेरे को चूमा करती थी, वो उसके सामने भी बिना लिबास के वैसे ही शर्मा लेती है जैसे मेरे सामने शर्माती थी, वो उसकी आंखों में देखकर भी ठीक वैसे ही झूठ बोल लेती है जैसे मेरी आंखों में देखकर बोला करती थी। तो ये उसकी अदाकारी, ये उसकी कला है अंदर से कि वो कर लेती है। वो पहले वो दूसरे लड़के को भी अपनी मोहब्बत का ऐसा एहसास दिला देती है जैसे वही पहला हो। मुझे बोरिंग लगता है ये काम। किसी ने कमेंट किया 7 साल का रिलेशन था, 7 साल का इजी है क्या 7 दिन में भूलना यार? साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं एक नॉर्मल होने में, दोबारा नॉर्मल होने में। मेरी अजीब दुविधा है, मुझे खुशी भी मिलती है कमेंट आते हैं, मुझे अफसोस भी होता है कि यार ऐसे कमेंट आते हैं कि यार कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहा, कोई लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर एंड ऑफ द मोरल मैं अपने आपको समझा लेता हूं कि जब ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार अच्छा लगता है आपको सुनना, बना दिया करो ऐसे वीडियोज। मैंने एक बार कहा था कि पता नहीं एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं स्टोरी टेलिंग करना बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा मैं पोइट्री करना, बंद कर दूंगा ये कि अब बात जिंदगी है इसलिए नंबर डायल नहीं किए तेरे, वरना किरदार मेरा इतना नहीं गिरा कि मैं किसी को कॉल करूं और उस सामने वाला उठाए ना, नहीं गिरा इतना मेरा किरदार। हो सकता है एक वक्त पे जाके मैं सबको अलविदा कह दूं इन सब चीजों को, नहीं करनी यार कहानियां लिखूंगा और वो भी रखी रहेंगी मेरे कमरे के अंदर कहीं पे, रखी नहीं रही सॉरी पड़ी रहेंगी, क्योंकि मुझे संभाली नहीं जाती मेरे से चीजें। मुझे अब तक पता है मुझे गिफ्ट्स भेजते थे पहले लोग, जो एक कप देखा आप लोगों ने, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के अंदर डाली थी, तो वो गिफ्टेड है तो मेरे को उसको संभाल के रखना पड़ता है, वो रखा। एक रियल तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल जो मैंने देखी अपनी आंखों से देखी, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी। तकरीबन 1 साल पहले मैं लेट नाइट घर पे आता था, तो मैं अपने डॉगी को बूजू को घुमाने लेके जाता था, इधर एक मैदान है वहाँ पे मैं अक्सर नाइट के अंदर एक लड़के को देखा करता था, सिर्फ सिंगल लड़के को जो फ़ोन पे बात करता रहता था, और जो फ़ोन पे बात करता था तो मैं कंटिन्यू जब उसको दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके महीना गुजर गया तो मैं देखता था, तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं यहाँ आऊँगा, डेफिनेटली इस मैदान के अंदर आऊँगा यहाँ पे बूजू को घुमाने, उस दिन मुझे ये लड़का नहीं दिखेगा, एक दिन सीरियसली नहीं दिखेगा। बट इतना पता है कि काफ़ी टाइम तक मैंने उस लड़के को देखा था, फिर अचानक मुझे वो लड़का दिखना बंद हो गया। फिर एक दिन वो लड़का उसी मैदान के अंदर, खाली सा मैदान है जहाँ लेट नाइट में लोग शराब भी पीने लग जाते हैं, वहाँ पे ऐसे जमघट जमा नहीं होता, बट एक उस कोने में पी रहा है, एक उस कोने में ऐसे करके, अब तो बंद कर दिया उसे। एक दिन वो लड़का वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक दो बार देखा था, वो केन भी ले रखा था, शायद बियर का केन था। तो मैं उस वक्त भी ये सोचता था कि जब ये आज बातें कर रहा है, आज ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, आज ये अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहा है, आज वो यादें इन्वेस्ट कर रहा है जो उसके साथ घटी है, जो उसको सुना रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ से कॉल आना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा? ये जो वक्त गुजर रहा है इसका, 1 घंटे का 2 घंटे का, मैं तो आधे पौन घंटे देखता था, वो उससे पहले करता होगा, उससे बात तक करता होगा, आई डोंट नो। तो जो 2-3 घंटे या 4-5 घंटे ये बात कर रहा है, एक वक्त ऐसा होगा जब फोन नहीं आएगा, उसके बाद क्या करेगा ये? उसके बाद वही होगा, वो यादें काटने को दौड़ेगी। शुरुआत के अंदर कुछ होश नहीं आएगा तो सिगरेट पीने लग जाएगा, हर कोई नहीं करता, हर कोई इतना कमजोर नहीं होता, मैं भी बहुत कमजोर था तो हर कोई इतना कमजोर नहीं हो सकता। सबसे आसान काम है देवदास बन जाना, खुद को बर्बाद करना इस दुनिया में सबसे आसान काम है, और तुम वही कर रहे हो, और वही कर रहे हो।
सबसे आसान काम है खुद को बर्बाद करना, सिगरेट शराब